Мит, Тина. Мишаю. Как дела? Привет. Хорошо. Хорошо. Мне надо в магазин зайти. Хорошо. Пойдем. यही वो ट्रेन है जो अपने को यहाँ से उठा के मौत को फेंकेगी। मैं कितना आवाज कर दिया यार। सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रखा है यारसलाव को बाय बाय बोलने का और अपन इस टाइम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन यारसलाव के, और यहाँ से मेरी ट्रेन है 8:30 बजे की और इस टाइम टाइम हो रखा है 7:45। हाँ, 7:45 हो रखा है। तो 15 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन और उसके बाद 11:30 बजे अपन मॉस्को पहुँच जाएंगे और फिर से एक दूसरी सिटी जाने का टाइम आ रखा है इस सिटी को छोड़ के। तो मैं मॉस्को नहीं जा रहा, मैं मॉस्को से दूसरी सिटी जाऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में और अच्छा लग रहा है, काफ़ी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का बस स्टेशन। मैं भी बस का वेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे काफ़ी लोग बस का वेट कर रहे हैं। और देख लो, ये कुछ गांव टाइप में रहता है, ये जो यारसलाव सिटी है कुछ गांव टाइप में है, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। और कुछ इस तरह से यहाँ का बस स्टेशन। गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन के यारसलाव के और अपन यहाँ से जा रहे हैं मॉस्को और मॉस्को से दूसरी सिटी जानेंगे। तो टाइम आ चुका है यारसलाव को बाय बाय बोलने का, टाइम आ चुका है एलेक्स को बाय बाय बोलने का। तो थैंक यू वेरी मच, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू सी यू एंड सो इन द फ्यूचर come again in India and we will meet here and I will show you our country. Yeah, I think if you meet someone for first time it's kind of random occasion. Okay. But if you meet two times yeah. And depends on you to meet three times. Yeah, four times. Of course. So we don't know what the future. Yeah. So okay, thank you very much. Have nice to meet you. Yeah. Okay. So guys, like one like for Alex. भाई साहब चेकिंग बड़ी हार्ड कर रहे हैं ये लोग। मेरे से किसी ने भी अभी तक जो मेरा बेल्ट बैग है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूँ किसी ने भी नहीं उतरवाया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उतरवा दिया। बोले भाई मशीन में डालो। मैंने कहा ठीक है भाई, डाल देते अपन, अपने को क्या प्रॉब्लम है। तो ये है कुछ ऐसा यहाँ का यारसलाव का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो। और अपने को जाना है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, शायद ये है 2 नंबर प्लेटफॉर्म मेरे सामने ये वाला। तो अंडरग्राउंड है रास्ता, अंडरग्राउंड में करके जाएंगे अपन। और शायद एलेक्स यहाँ कहीं पे मेरा फिर से देखने के लिए वेट कर रहा हो। वो चला गया लगता है। तो ये है भाई अंडरग्राउंड का रास्ता। ओह, तो ये मेरी तीसरी ट्रेन होने वाली है रशिया के अंदर। फर्स्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, देन सेंट पीटर्सबर्ग से यारसलाव, देन यारसलाव से मॉस्को, और उसके बाद मॉस्को से मेरे को जाना है दूसरी सिटी जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, कुछ किलोमीटर की दूरी है बस। और ये रहा अपना ट्रेन नंबर 107 और ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर। तो अपन चलो इस तरफ जाते हैं। देखते रहो भाई, देखते रहो, लाइक शेयर करते रहना। तो ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 और आप देख सकते हो स्टेशन कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, मात्र 3 से 4 प्लेटफॉर्म है। एक ये है, 2 ये है, तीसरा ये है और चौथा उस तरफ है। चौथा वाला तो छोटा सा ही है और जिस हिसाब से स्टेशन बना हुआ है उसी हिसाब से ये सिटी है, बहुत छोटी है। और ऐसा समझ लो कि गाँव है, एक छोटा सा, एक बड़ा गाँव है ऐसा समझ लो। हाँ, और यहाँ के लोग काफ़ी मॉडर्न है। मेरे को लगता है रशिया में जितने भी गांव हैं सारे, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी मॉडर्न है, स्पेशली लड़का लड़कियाँ। तो जनरेशन काफ़ी तेज़ आगे बढ़ रही है अपनी। तो थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, अपन बैठते हैं ट्रेन के अंदर। तो गाइस यही वो ट्रेन है जो अपने को यहाँ से उठा के मौत को फेंकेगी। अरे कितना आवाज़ कर दी है यार।
यही वो ट्रेन है जो अपने को यहाँ से उठा के मॉस्को फेंकेगी और मॉस्को से दूसरी सिटी में जाना है अपने को। ट्रेन की सर्विस जो है ना काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और अच्छी बात यह है कि ट्रेन की सर्विस अपने इंडिया में भी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती चली जा रही है। मैंने बोला था 10 डब्बे भी नहीं है, और ये शायद ट्रेन कहीं से आ रही है और अब ये जाएगी मॉस्को डायरेक्ट यहाँ से। तो चलो बैठते हैं इसके अंदर। तो ये है अपना बोगी नंबर 5, और आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाओ बस, सारी डिटेल वहाँ पे ऑलरेडी पहुँची हुई अपनी। तो अपन बस अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और इंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर डालना होता है इनके पास। सर पहला मेस्ट पसीना बोल से। तो सिर्फ इनको पासपोर्ट नंबर डालना होता है अपना, और सारी डिटेल आ जाती है। ये साला इमिग्रेशन कार्ड जो इन्होंने दे रखा है ना, ये बड़ा डेंजर है। पहली बता तो संभाल के रखना इस इमिग्रेशन कार्ड को, अगर ये खो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस ट्रेन अपनी चल चुकी है और बाय बाय अरसला बोल दिया मैंने ऑलरेडी। और ये था कुछ पेशेंट, ये थी कुछ हॉस्पिटैलिटी। सो आई वांट टू से थैंक यू एलेक्स वेरी मच इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इट वाज रियली नाइस टाइम टुगेदर, एंड मिलते हैं कभी फ्यूचर में। और मैं ट्रेन की अगर बोगी की बात करूँ तो इधर फीमेल ज़्यादा भरी हुई हैं, और मेरे सामने एक भाई बैठा हुआ है जो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। तो देखते हैं कैसे सफ़र करता है। अभी अपना ये सफ़र स्टार्ट हुआ है, 4.5 घंटे का सफ़र है फ्रॉम यरसलाब टू मॉस्को। उसके बाद अपन जाएंगे दूसरी सिटी में, अपना दूसरा होस्ट है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे पीछे भी आपको नज़ारा दिख रहा होगा, ख़तरनाक वाला ही है। बस इंजॉय करते रहो ऐसे नज़ारे, और इसी बात पर लाइक करते रहो, शेयर करते रहो बस, और क्या। आपको मैं एक वेबसाइट का नाम बताना चाहूँगा, अगर आप रशिया में ट्रेन बुक करते हैं तो इसका नाम है tuturu.ru. सो ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप कहीं का भी टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, इसका सिस्टम अलग रहता है। इनके पास थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेन दे हैव, फर्स्ट मेट्रो, सेकंड जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन है, और थर्ड एंड ये वाली जो अपन जिसमें जा रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, सिटी टू सिटी कनेक्ट होती है। तो आप ये जो मैंने वेबसाइट बताई है tuturu.ru, इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, और आपका इंडियन कार्ड काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप आराम से टिकट बुक करिए मस्त हो के। बस मैं तुमको दूसरी नई होस्ट दिखाता हूँ, नई होस्ट दिखाता हूँ। तो बस मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तब तक नज़ारे देखते रहो। और तुम्हारे भाई ने फिर से विंडो सीट बुक की है, इसलिए बोलता हूँ विंडो सीट हमेशा बुक किया करो, नज़ारे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, पर्सनल टाइम इन्जॉय करने को मिलेगा। और अभी थोड़ी देर में आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, बोगी दिखाता हूँ, और ट्रेन भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। ट्रेन कहीं और से आ रही है, किसी दूसरे स्टेशन से बन के आ रही है, डायरेक्ट यरसलाब से नहीं चल रही है। तो पहले से ही लोग यहाँ पे भरे हुए थे जब मैं यहाँ पे एंटर किया था। तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ का ब्रिज है, आप देख सकते हो। तो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, टीटी आपने देख ली, टीटी कितनी अच्छी है यहाँ की, सारी फीमेल टीटी रहती है, बहुत कम रहता है कि ट्रेन में मेल टीटी रहती है। मज़े लेते रहो ज़िंदगी के, और एक बार घर से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है वाकई में। और जिन भाई ने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और प्लान काफ़ी बन गए, ये ट्रिप ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया है, सीरियसली काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इस ट्रिप से। जो भी मैंने सीखा है वो इन द फ्यूचर में यूज़ करना चाहता हूँ, और इस ट्रिप ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया है सीरियसली, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। रशिया का वीज़ा अपने पासपोर्ट पे लग गया है, और इसके बाद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो गई है देखा जाए तो, पासपोर्ट पे वीज़ा लगने से रशिया का। और रशिया का वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, एक वीडियो मैंने बनाई है रशिया के वीज़ा के ऊपर या रशिया के इमिग्रेशन के ऊपर। तो लोग सिर्फ डराते हैं, उनकी बातें वो मत आओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और निकल लो घर से बाहर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इधर कहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। और बस बाकी का नज़ारा दिखाते रहता हूँ बाद में, काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गई। तो यहाँ की टीटी ने भी अपना टेम्परेचर चेक किया था कोविड 19 का,
तो ये हर जगह इस टाइम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोरोना के केसेस 0/0 है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। अब आप विदाउट मास्क घूम सकते हैं, इवन इन द बस यू कैन ट्रेवल विदाउट मास्क। मैंने विदाउट मास्क ही ट्रेवल किया है। आप ट्रेन में भी विदाउट मास्क जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मास्क लगाना यहाँ पे। और ये सबका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ मैं, आपको बोगी दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखाई देता हूँ, कोशिश नज़ारे कितने खूबसूरत है। तो आगे पीछे का सबका दिखा दिया मैंने आपको। तो वी आर इन मॉस्को, यारोस्लाव की मॉस्को रेलवे स्टेशन, यारोस्लाव की नॉट यारोस्लाव, ये यारोस्लाव की मॉस्को रेलवे स्टेशन है। अब अपन यहाँ से जाएंगे बाहर, मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो से दूसरे स्टेशन जाना है, फिर वहाँ से बस पकड़नी है दूसरी सिटी के लिए। मज़ा आने वाला है, बने रहो। कम से कम 2 घंटे सो लिया था, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम फ्रेश, एकदम मज़ा आ रहा है, अभी फुल ऑफ एनर्जी। अपने को जाना है मेट्रो स्टेशन जिसका नाम है कोमसोमोल्स्की। हाँ, कोमसोमोल्स्की, पूछते हैं भाई से कोमसोमोल्स्की। माय फ्रेंड, कोमसोमोल्स्की मेट्रो स्टेशन मित्रो। दिस ओ पसीबा। तो अपने पास मेट्रो कार्ड है, अपन इसको टच करेंगे ऐसे, खुल गया, वाह। इसका मतलब इसमें पैसे हैं अभी भी अपने पास में, और अपने को जाना है इस तरफ, जिस स्टेशन पे जाना है वो इस तरफ पड़ेगा, रेड लाइन है उस तरफ, और यहाँ पे कत्थई लाइन है। मॉस्को में बहुत सारी मेट्रो लाइन है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, कत्थई लाइन। अपन ने अभी कत्थई लाइन क्रॉस किया है और अब जा रहा हूँ ग्रीन लाइन पकड़ने के लिए, और वहाँ से दमादेदवा जो एयरपोर्ट है, जो मॉस्को का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद अपन वहाँ से बस पकड़ेंगे दूसरी सिटी के लिए, वही दमादेदवा सिटी है वो भी। गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं दमादेदवा, जो मॉस्को का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है, और यहाँ से भी दूर है मेरे होस्ट का घर, तो यहाँ से मेरे को बस पकड़नी है 8 99 के, और उसके बाद मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। तो अभी कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, देखते, मज़ा आ रहा है बहुत। और ये जो मेट्रो जो थी ये पूरी सोवियत यूनियन की थी, इतनी पुरानी मेट्रो थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी कि कान फट गए, सही बता रहा हूँ, कान फट। तो गाइस अपन आ चुके यहाँ पे, और होस्ट मेरी मेरे को लेने के लिए आ गई है, मीट टीना, कल दिला। Привет. Хорошо. Хорошо. Мне надо в магазин зайти. Хорошо. Пойдём. Ага. तो ये अपनी होस्ट है टीना, और काफ़ी साल पहले गोवा आई थी, और पता नहीं क्या मोहब्बत हो गई, और उसके बाद आज इतने टाइम बाद अपन मिल रहे हैं।